वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ जगन्नाथ टेंपल दर्शन का बारे में। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, तो अभी जाते हैं जगन्नाथ टेंपल। सबसे पहले तो वॉकिंग जाना बेटर है यहाँ से। और अगर आप कोई ये सब गाड़ी लेते हो तो 100 रुपीज़ चार्ज कर देते हैं, तो वॉकिंग जाते हो। आप एक मिठाई का दुकान दिखा, टेस्ट इन बेस्ट, और 120 में 140 में खाजा भाई, ज़्यादा कम रेट में मिल रहा है यहाँ पे खाजा, ज़्यादा ही कम है। और अभी हम लोग हैं जगन्नाथ टेंपल रोड, तो ये वो बीच से टेंपल तक का रोड है। और हम लोग का थोड़ा शॉर्टकट किया क्योंकि होटल साइड में था। अगर आप प्लान कर रहे हो अप्रैल का महीना में आने के लिए तो मत आइए। आपको मैं बोलूँगा कि नवंबर से फरवरी तक ही आइए, तभी अच्छा होता है भाई। अभी हालत खराब हो रहा है। मैंने सोचा था कि 2-3 किलोमीटर का कुछ रूट होगा, वॉकिंग करूँगा, वॉकिंग घूमूंगा, बट नॉट पॉसिबल। 500 मीटर में हालत खराब हो रहा है। ये टाइम पे अभी चेंज हो गया, अभी यहाँ पे नया जगन्नाथ कॉरिडोर बनाया, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। तो देख सकते हो आप लोग किस टाइप का है। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये है जगन्नाथ टेंपल का गेट। तो जगन्नाथ टेंपल रोड से निकलते ही आपको ये मिलेगा जो मेन गेट बोलते हैं, इसको ईस्ट गेट भी बोलते हैं, लायन गेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गेट कुछ इस टाइप का, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा जाने का, और लाइन कोई होता नहीं है गर्मी का टाइम पे। और यहाँ पे शू रखने का काउंटर आपको मिल जाएगा थोड़ा आगे जाने से, मतलब ढेरों मिलेगा प्राइवेट शू काउंटर, बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे गवर्नमेंट शू काउंटर मिलता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले का प्रोसेस, जो आपका सैंडल रखने का होता है गवर्नमेंट काउंटर, सैंडल और मोबाइल रखने का। तो चलिए। सो गाइस, यहाँ पे ये काउंटर है, इसका अंदर यहाँ पे पूरा कूलिंग अच्छा है भाई, पूरा कूलिंग अच्छा है। और यहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है, और यहाँ पे आप बैग नहीं रख सकते। बैग हम लोग को मतलब एक प्राइवेट काउंटर में रखना पड़ा कुछ दुकान का, और मोबाइल और शू यहाँ पे रखना पड़ता है, और कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ से आप अंदर से टेंपल जा सकते हो। तो ये पार्ट मतलब मैं आपको अभी दिखा दूंगा ये कहाँ पे है, मैं बाहर जाके दिखा दूंगा। और आप कहीं भी दुकान पे रख सकते हो अपना बैग, और कीमती सामान लाए ही मत जब आप जगन्नाथ दर्शन करने आते हो। तो यहाँ पे जितना कम सामान हो सकता है उतना लाइए, नहीं तो मोबाइल ही मत लाइए। तो बस यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप होटल से डायरेक्ट आ जाइए, कुछ कैश लेके और दर्शन करके निकल जाइए, बाद में आके फ़ोटो खींचना वो सब कर सकते हो, क्योंकि कुछ यहाँ पे अलाउ भी नहीं है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट काउंटर काफ़ी अच्छा किया भाई, फुल्ली एयर कंडीशन है। पे आपको दिखाना है कि आपको ये कहाँ मिलेगा सूखा काउंटर। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, और यहाँ पे है श्री श्री सत्य नारायण टेम्पल। तो ये टेम्पल है यहाँ पे, और ये साइड में ये शू का काउंटर मिलेगा। तो ये सर्च करके आप आ सकते हो श्री श्री सत्यनारायण टेम्पल, ये जगन्नाथ टेम्पल का वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी और एक एंट्री है जगन्नाथ टेम्पल जाने का। तो यहाँ पे भी एक एंट्री सिस्टम है जाने का, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो। और जो शू रखने का काउंटर है वो इस साइड में, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का स्टेचू है, मतलब स्टेचू टाइप, और वो ब्लैक कलर का स्टेचू का उस साइड में मिलेगा, राइट साइड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा गार्डन टाइप बना दिया, मतलब पूरा गार्डन टाइप, अलग ही लेवल का लग रहा है यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है हॉर्स गेट। तो हॉर्स गेट को बोलते हैं साउथ गेट। तो इसका अंदर का लुक देख सकते हो आप लोग, ये साउथ गेट है, और यहाँ पे हॉर्स है, एक ब्लैक और एक वाइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा टेंपल को राउंड मार के देखूँ, कितना राउंड मार सकता हूँ, और एक एक गेट दिखाई देगा। मतलब क्वालिटी थोड़ा ख़राब होता है रात को, वही मेन प्रॉब्लम है। तो ये कॉरिडोर जो है बहुत बड़ा एरिया लेके किया गया है, बहुत बड़ा एरिया लेके, मतलब जगन्नाथ टेंपल का पूरा बॉर्डर ये है, ये इसका बॉर्डर है। इसका हाइट है 6.1 मीटर से वॉल का। और ये चीज़ भाई बहुत अच्छा लगा पूरी में, ये देख सकते हो, ये पानी ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब रोड का साइड साइड में ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। एक बॉटल कैरी करो, बस पानी भरते रहो जब चाहिए, और गर्मी में तो बहुत पानी चाहिए, इसलिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। मतलब टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया भाई, बहुत स्पेंड किया अच्छा करके टूरिज्म में। और साइड साइड में भी टेंपल है यहाँ पे, मतलब टाइगर वाला। और लाइट से फोकस किया जा रहा है जगन्नाथ टेंपल को, वहाँ पे बड़ा बड़ा जो स्पॉटलाइट है वहाँ से फोकस किया जा रहा है। हाय।
और आज अंदर जाके एक अलग ही फील आया, अलग ही मजा आया। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट, क्लॉक रूम, सब कुछ फैसिलिटी और गार्डन। तो यहाँ पे गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है जो ये नया कॉरिडोर बनाए। पहले सब कुछ नॉर्मल था, और पहले बहुत सारा शॉप था यहाँ पे, खाने का स्टॉल बहुत ज़्यादा था जगन्नाथ टेम्पल का यहाँ पे वहाँ पे। अभी जो मेन स्पॉट है उसका मतलब बहुत दूर दूर तक ही है, और रोड साइड स्टॉल अगर चाहिए तो आपको मैक्सिमम दूर जाना पड़ेगा, सामने मिलने का चांस नहीं है। हस्ती द्वार ये हस्ती द्वार है और देख लीजिए। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने पूरा टेम्पल का कॉर्नर में घूम लिया। सोचा नहीं था घूमूंगा, मेरा दोस्त का हालत ख़राब है, पेट का हालत ख़राब है, वो बैठ गए एक जगह पे। तो यहाँ पे अभी मुझे बताना है जगन्नाथ मंदिर का पूजा देने का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने इतना कुछ नहीं किया, बस वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था शू रखने में, ये बैग अलाउ नहीं है, लेडीज़ बैग अलाउ है। और उन लोग का एक बैग होता है जहाँ पे मोबाइल रखना पड़ता है, मोबाइल गिन के रखते हैं, फ्री में रखते हैं और शू भी रखते हैं। और जो काउंटर है वहाँ पे पूरा एसी है, मतलब शू रखने का काउंटर में भी एसी है। बट जब आप टेम्पल से बाहर निकलते हो आपका पैर जल जाएगा, क्योंकि खाली पैर में बहुत प्रॉब्लम होता है और ये सीज़न बहुत ख़राब है पूरी दर्शन के लिए। तो मैं बोलूँगा इवनिंग को दर्शन कीजिए जगन्नाथ टेम्पल। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा जो जगह है, ये पहले नहीं था, कॉरिडोर बनने का बाद ही हुआ। पहले तो यहाँ पे वो स्टॉल बैठता था, छोटा मोटा स्टॉल बैठता था, फिर ऑटो स्टैंड वो सब रहता था जब मैं आया था लास्ट टाइम। और देखो अभी मेन रोड ही छोटा कर दिया, पहले इतना बड़ा मेन रोड हुआ करता था अभी। और यहाँ पे पहले सोचा था कि बहुत लंबा लाइन होगा घुसने के लिए, भाई कोई लाइन नहीं था यहाँ पे एंटर करने के लिए, डायरेक्ट एंट्री मार दिया। बस टेम्पल का अंदर थोड़ा बहुत लाइन है, वो भी 5-6 मिनट का ही। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।